बोले पिचरा पिचरा थोड़ा पिचरा स्टार्ट लेना स्टार्ट हाँ नाड़ा बांध बराबर नहीं तो दौड़ते दौड़ते पकड़ पकड़ बोले अरे पकड़ पत्रकार पोपट लाल ने मारा दुनिया हिला दूंगा क्या कर रहा है भाई तो अरे इतना वड़ा पाव मत खाना झोंक भी नहीं सकता पेट बढ़ गया बैठ जा चरा गड्डू काका ने उछाली गेंद टप्पू की ओर बोले अंकल अरे क्या हाँ अंकल बॉल गया दो पैर के बीच में से आपने बुलाया इसलिए छूट गया जाया अभी लेकर आइए बोले तू रोज टप्पू के साथ खेलता है तो तुझे उसकी बैटिंग में क्या कमजोरी है पता है बराबर अंकल कैप्टन टप्पू की बैटिंग में कोई कमजोरी नहीं है क्रिकेट ही उसकी कमजोरी है अभी डायलॉग मत मार स्टंप पे सीधा बॉल मार समझ गया कैप्टन मैं कैसा लग रहा हूँ बोलना आपके पास ही है तो कहाँ जा रहा था सॉरी बॉल प्लीज कोशिश करता हूँ बैट्समैन का थोड़ा ऊपर पहनना ये किधर से लेके आए ये जंगल दिख गया रेडी स्टंप शाबाश कोशिश तो की ना जेटा अंकल ये थोड़ा ऊपर पहनना दिखता नहीं है तुझे कहीं भी बॉल जा रहा है तेरा वो वापस नीचे ही हो जा रहा है तो निकल देना इसको भाई नहीं नहीं अंकल वो लुक है बैट्समैन को डराने के लिए किधर डरा तेरा बैट्समैन डरा सिक्सर मारा उसने पक्का अंकल ये बॉल ट्राई करता हूं ओके कम ऑन गुड गर्ल हो गया सब बात हां ठीक है कम ऑन कैप्टन गोले इधर थोड़ा बाल का टुकड़ा देना इधर मार्क नहीं रखने के लिए मिल नहीं रहा कुछ नहीं नहीं अंकल फिर मैं डरावना कैसे लगूंगा अरे देना थोड़ा सा ऐसे निकलेगा ऐसे अंकल वो विग है अंकल वो नहीं निकलेगा सब फालतू विग लेके आया है यार लुक बिगड़ जाएगा फिर अच्छा तो ध्यान रखना इधर गोली ए गोया ए भैरिया ए भाई ध्यान किधर है तेरा बबीता जी बुला रहे सॉरी चलो जल्दी बुला रहे बबीता जी गोली जरा अब्दुल भाई को बुलाओ ना प्लीज क्यों बबीता जी क्या हुआ जेठा जी वो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया तो इसलिए मैं अब्दुल भाई को बुला रही हूँ अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है मैं ठीक कर देता हूँ आप हेलो तुम्हें ट्यूबलाइट रिपेयर करनी आती है हाँ अभी मैं आया ना घर से तो हमारे घर की ट्यूबलाइट भी बिगड़ गई थी तो मैंने 2 मिनट में ठीक कर दी तो जेठा अंकल आप ही बबीता आंटी की ट्यूबलाइट ठीक कर दो ना ये बच्चे हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं कि हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए यही हमारा फर्ज है बराबर चलो हम भी चलते हैं अरे भाई सबको आने की जरूरत नहीं है छोटा सा काम है 2 मिनट में हो जाएगा तुम लोग इधर ही रुको फिर हमें सोडा सॉप जाना है ना सोडा पीने मजा आएगा बबीता जी आता हूँ ओके मैं भी आता हूँ किधर बेटा बबीता आंटी के घर पे क्यों तुमको भी आता है ट्यूबलाइट रिपेयर करना तो फिर आपकी मदद करूंगा ना किस तरह मदद करेंगे आप स्टूल पे चढ़ोगे ना तो मैं स्टूल पकड़ूंगा बस गोले तो क्या आऊं कि नहीं चलो बेटा चलो क्या हुआ बेटा तबीयत ठीक नहीं है रहने दे फिर मैंने आपका हाथ शायद गलती से लग गया ओ सॉरी बेटा सॉरी चल ये भी निकलती है ट्यूबलाइट भी निकलती है ऐसे इधर पीछे छुप के बैठा देखो स्टार्टर नटखट ये स्टार्टर को भी थोड़ा साफ कर दूंगा अभी हो जाएगा ठीक से
जाती हूँ। अच्छा हुआ टप्पू ने आज नाश्ते में भजिया बनाया। भजिया बनाया तो मुझे आइडिया आया ना, अब मुझे सासू माँ के नुस्खे को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बाप रे, ये बकासुर कहाँ से आ गया? अगर इसने भजिया देख लिया तो ये तो छोड़ेगा नहीं, क्या करूँ? जेठा अंकल कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो घर पे बैठे बैठे जरा बोर हो गया था तो सोचा खुली हवा में जरा वॉकिंग कर लूं। अपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया ना बेटा। अरे तो चाय नाश्ता करके आप वॉकिंग करने आए? वो तो खाली पेट करते हैं ना, और वो भी सुबह सुबह। हाँ वो पता है बेटा, लेकिन वो क्या है कि मौसम इतना अच्छा है ना, तो मैंने सोचा कि चलो ना, मन हो गया वॉकिंग करने का तो कर लेता हूँ। पर तू क्या कर रहा है बाहर? तू अंदर जा, घर जा, घर जा बेटा। अरे ये डंगल, मैं भी सेम टू सेम, मुझे भी घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ी फ्रेश हवा खा के आता हूँ। तुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है नहीं? हाँ जेठा अंकल, लेकिन जेठा अंकल हवा खाने से पेट थोड़ी भरता है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन बराबर है बेटा। चल अभी जा बेटा घर जा। हाँ क्यों? घर आ गया ना तेरा इधर देख, और बेटा बस हो गया ना, कितनी हवा खाएगा बेटा तू? हाँ थोड़ी दूसरों के लिए भी थोड़ी हवा रहने दे बेटा। क्या जेठा अंकल आज आप एकदम मजा क्या मूड में हो? जेठा अंकल आपको खुशबू आ रही है क्या? कोई खुशबू? हाँ हाँ खुशबू आ रही है, कोई खाने की चीज की, तला हुआ खाने के, कुछ तले हुए खाने की चीज की खुशबू आ रही है। तले हुए खाने की चीज की खुशबू? हाँ हाँ वो होता ना भजिया दाल वड़ा, वो टाइप की खुशबू आ रही है। आ तो बेटा तेरे घर से आ रही होगी, तेरी मम्मी तेरे लिए कुछ बना रही होगी बेटा। हाँ तो जा 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 घर जा घर जा घर जा। नहीं 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 जेठा अंकल घर से तो नहीं आ रही है, आपके आजू बाजू से ही कहीं से आ रही है। एक मिनट, आपके हाथ में कुछ है क्या जेठा अंकल? नहीं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर मुझे यहाँ से पीछे से आपके हाथ ऐसे आधे क्यों दिख रहे हैं? अरे वो तो बेटा वॉकिंग करते वक्त अपन वो हाथ ऐसे आगे रख के ऐसे ऐसे वॉकिंग करते हैं ना, तो मैं ऐसे ऐसे वॉकिंग कर रहा हूँ बेटा। हाँ ओ अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो घर से ही आ रही होगी। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय जेठा अंकल। ओके बाय बेटा, बाय बाय। मेरा एक बहुत जरूरी काम है, तू करेगा? अभी बेटा बहुत जरूरी है, और तेरे बगैर कोई कर सके ऐसा नहीं, और बहुत सीक्रेट काम है। सीक्रेट काम? बताइए बताइए जेठ अंकल, मजा आएगा। समझा? एकदम समझ गया जेठ अंकल, समझो कि आपका काम हो गया। या। जा बेटा जा। पक्का भाई सब समझ गए ना? अरे हाँ हाँ सब समझ गया हूँ, लेकिन वो जीजाजी वाला फेशियल पक्का रंग निकाल। लो लो बक्का भाई लो। अरे वाह, ये कलर जीजाजी के चेहरे पे लगा दिया ना तो जीजाजी चांदी जैसे चमकने लगेंगे। जेठा अंकल पक्के रंग की खबर पक्की है। क्या पक्के रंग की? इस तब पक्के रंग की खबर पक्की है। क्या बात कर रहे? सुंदर मामा आपको लगाने के लिए पक्का रंग लाए, पक्का भाई और भैलू भाई उस रंग को तैयार कर रहे हैं। शाबाश शाबाश गोली शाबाश। सुंदर अब देख मैं पासा कैसे पलट देता हूँ। गोली बेटा अभी हमारे प्लान का दूसरा चरण। क्या दूसरा कदम? क्या समझा? ऑब्वियसली समझ गया। तो जाओ बेटा फतेह करो। क्या करो? कुछ भी करके करो, काम करके आओ।
पता नहीं है। आई 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 अंकल ये क्या पी रहे हो बेटा? ये एक अलग टाइप का जूस है लेकिन बहुत स्वादिष्ट जूस है, पिएगा? हाँ हाँ ऑफकोर्स, निकी और पूछ हाँ, लाइए ले। लेकिन फिर आप? मैं एक ग्लास तो पी चुका हूँ, दूसरा ग्लास पी रहा हूँ। इतना अच्छा है? अरे जबरदस्त है बेटा, जबरदस्त है, फिर लाइए। हाँ लेकिन बेटे इसका असली मजा है ना एक ही घूट में घटाघट पी जाने में। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं आधे घूट में पी जाऊंगा। लाइए लाइए। शाबाश बेटा शाबाश, ये ले ले। तो गरम है? आओ हल्का गरम ही पिया जाता है बेटा, क्या जरा भी ठंडा हो गया ना तो फिर उसका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, मजा नहीं आता है। पी 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 पी। सॉरी यार फ्रेंड्स। अंकल ये क्या था? मस्त है ना? बने मत, आपने जूस बोल के काढ़ा पिला दिया। टप्पू तुझे पता था ना कि जूस नहीं काढ़ा है? हाँ पता था। तो फिर बताया क्यों नहीं? अरे गोली तेरे हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है ना। यार मैं ऑलरेडी इतना हेल्दी हूँ, और कितना हेल्दी बनाओगे तुम लोग? बेटा हेल्थ का तो ऐसा है ना बेटा, ज्ञान जैसा है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। अरे गुड मॉर्निंग गोली बेटा, गुड मॉर्निंग। रिक्शा? नो नो रिक्शा, नो नो। अंकल क्या कर रहे हैं जेठा अंकल? अरे रिक्शा पहले मैंने देखी थी। देखने से क्या होता है, आवाज पहले मैंने लगाई थी, और जो पहले आवाज लगाता है रिक्शा उसी की हो जाती है। गोली बेटा। अरे समझ दोस्त, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है भाई, तुझे थोड़ी काम पे जाना है तो बाहर से दूसरी रिक्शा ले लेना भाई प्लीज। नहीं ले सकता। क्यों? जेठा अंकल मुझे भी काम है, मुझे भी लेट हो रहा है। तूने क्या पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के होटल में नौकरी ले ली क्या? नौकरी? मैं नौकरी क्यों करूंगा, मैं तो खुद की होटल खोलूंगा। और फिर उसे मौके लायक खाएगा। अभी आपको लेट नहीं हो रहा है, मैं चलूं? नहीं 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 गोली बेटा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दे प्लीज। मुझे भी लेट हो रहा है। अरे कहाँ जाना है तुझे? पूजा करने। अरे सोसाइटी के मंदिर तक तू चल के नहीं जा सकता, और वैसे भी और गार्डन के गेट के अंदर तो रिक्शा जा नहीं सकती ना, इतना तू नहीं चल सकता। जेठा अंकल वो मंदिर वाली पूजा करने नहीं जाना है। तो वो राजू स्नैक्स ठेले वाला है ना, वहाँ पेट पूजा करने जाना है। अरे बेटा तो ठेला तो पूरा दिन चालू रहता है ना, 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जेठा अंकल वो राजू स्नैक्स वाला है ना, वो इसी टाइम पे गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाता है, मैं लेट जाऊंगा तो वड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर खाने में मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। अरे वो तो तू उसको बोलेगा तो फिर से गर्म करके दे देगा बेटा। नहीं वो रिफ्राई हेल्दी नहीं है। अच्छा तेरा ये ठेले वाला तो यहीं के आसपास में ही होगा ना? हाँ MG रोड पे। हाँ तो चल मैं तुझे दुकान जाते जाते उतरते जाता हूँ, चल। हाँ ये मस्त आइडिया है, परफेक्ट परफेक्ट, चलिए चलिए चल। यस। আরে নারী আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে কাজের জন্য। আরে গুড মর্নিং ববিতা জি। গুড মর্নিং জেঠা জি। আমি তোকে পরে ফোন করছি, ওকে বাই। আপ কই যা রে? হ্যাঁ ও আইয়ের কে লিয়ে ইম্পর্টেন্ট কোরিয়ার কে লিয়ে বাইরে যা রহি হো। হ্যাঁ তো আইয়ে, মই আপকো ছোড় দেতা হুঁ, আইয়ে। ओह वाओ दैट विल बी रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। आइए। सॉरी बबीता आंटी ये रिक्शा फुल है, जेठा अंकल के साथ मैं जा रहा हूँ। ओह अरे फुल क्या है बेटा, हम तो दो ही है ना, और रिक्शा में 3 जन तो जा ही सकते हैं। आइए बबीता जी। तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा, आप? है? क्या मतलब? अभी पीछे 2 मोटे लोग बैठेंगे। मोटा होगा तू? जेठा अंकल मेरे कहने का मतलब है कि 2 हेल्दी लोग।
दो हट्टे कट्टे लोग पीछे बैठेंगे तो रिक्शा फुल हो जाएगी ना, तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा? बबीता आंटी। गोली। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं दूसरा रिक्शा ले लूं। अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी आप? हाँ बबीता आंटी, आप आ जाइए रिक्शा में बैठिए। वाह वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। देखा देखा बबीता जी, नहीं हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों की एक बात तो कहनी पड़ेगी, कितना सुशील और समझदार है ये। आजा बेटा बाहर आजा, बबीता जी को बैठने दे आजा। ए जेठ अंकल, मेरा कहने का मतलब था कि बबीता आंटी और मैं रिक्शा में जाते, आप दूसरी रिक्शा ढूंढ लीजिए ना बाहर से। गुली बेटा मस्ती नहीं, देखो मुझे और बबीता जी को जरूरी काम से बाहर जाना है, और तुझे तो वड़ा पाव खाने जाना है ना बेटा, तो तू बाहर से दूसरी रिक्शा ले लेना बेटा, हमको लेट हो रहा है बेटा। अरे जेठा अंकल। अरे एक्सक्यूज मी। हाँ यार बोलो बोलो। गोली बेटा देख, अगर तू ये रिक्शा छोड़ देगा ना मैं तुझे 200 रुपया दूंगा। जेठा अंकल आप मुझे रिश्वत दे रहे? नहीं बेटा, मैं तो प्यार से दे रहा हूँ। मैं तेरे पापा का दोस्त हूँ क्या? नहीं है? और तेरे दोस्त का पापा हूँ क्या? नहीं उस नाते नहीं नहीं। देख मेरी बात तो सुन बेटा, 200 नहीं मैं तुझे 300 दूंगा, 200 वड़ा पाव खाने का और 100 रुपए रिक्शा भाड़ा। सॉरी जेठा अंकल। अभी मना मत करना, अभी अगर मना किया ना तुझे वड़ा पाव की कसम। अपने वड़ा पाव की कसम देके मजबूर कर दिया। सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हाँ बेटा एक मिनट ले ले बेटा, 100 200 300 ले। हाँ जा 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 चल आजा आजा दूसरी रिक्शा कर लूंगा। ओके थैंक यू सो मच गोली, थैंक यू। अरे बबीता जी बैठिए। जीठा जी आप बैठ जाइए, मुझे पहले उतरना है ना। अरे थैंक यू सो मच गोली, नो प्रॉब्लम। आइए बबीता जी आइए।